नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबर रीवा जिले से है, जहां 3 साल पहले लापता हुई युवती को पुलिस ने राजस्थान से खोज निकाला है। राजस्थान के चुरू जिले में 1,80,000 रुपयों में युवती का सौदा हुआ था। पुलिस ने खरीदार के साथ ही लड़की के जीजा को पकड़ लिया है, जबकि युवती को बेचने वाला फरार हो गया है। रीवा जिले के हनमना से 3 साल पहले लापता हुई युवती को पुलिस ने खोज निकाला है। गांव के ही जान पहचान के युवक ने अच्छे सपने दिखाए। जब युवती झांसे में आ गई तो भोपाल घुमाया, इसके बाद राजस्थान के चुरू जिले में 1,80,000 रुपयों में बेच दिया। खरीदार युवक ने युवती को पत्नी की तरह रखा। युवती भी खुश थी, कोई कष्ट नहीं था, पर आरोपी युवक गांव नहीं भेजना चाहता था। उसको डर था कि कहीं युवती गई तो दोबारा नहीं आएगी, ऐसे में लाखों रुपए डूब जाएंगे, साथ ही पत्नी का सपना अधूरा रह जाएगा। इसी बात से युवती परेशान थी, उसको भी अपने गांव घूमने आना था। एक दिन युवती ने ही अपने घर में फोन कर पूरी जानकारी पिता को दे दी, जिसके बाद युवती के पिता हनमना थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी कहानी बताई। 3 साल से लापता युवती की बात सुनकर थाना प्रभारी के हाथ पैर फूल गए। तुरंत ही आला अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया और इसके बाद एक टीम को गठित कर राजस्थान के चुरू जिले भेजी गई, जहां लोकल पुलिस की मदद से युवती को बरामद कर लिया गया। साथ ही उसके खरीदार और उसके जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और जिसके बाद रीवा ले आया गया है, जिनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जबकि बेचने वाला गांव का युवक फरार है। इस मामले में पुलिस ने अन्य आरोपी भी बनाए, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस थाना हनुमना को अभी 17 मार्च को एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में फरियादी विश्वनाथ कॉल के द्वारा रिपोर्ट की गई, जिनने बताया कि मेरी पुत्री लगभग 2021 से अचानक गायब हो गई थी और उसके बारे में पता नहीं चल रहा था। 3 दिन पहले ही मेरी बच्ची का फ़ोन आया, उसका कहना है गांव के ही राम भाव विश्वकर्मा ने उसको वहाँ बेच दिया है राजस्थान चुरू में। पुलिस जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो हमारे SP साहब के द्वारा तुरंत टीम बनाई गई, प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और टीम में थाना प्रभारी ने खुद टीम का नेतृत्व किया और वहाँ राजस्थान चुरू जाके उस बच्ची को 24 तारीख को दस्तयाब कर लिया और बच्ची के बयान के आधार पर और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में निकल के आया कि जो गांव का राम भवन विश्वकर्मा था, वो बच्ची को 2021 में लगभग दिसंबर की बात बता रही, वो बहला फुसला कर पहले भोपाल ले गया था, पर भोपाल से राजस्थान के ही एक व्यक्ति को उसने 1,80,000 रुपये में बेचना बच्ची ने बताया। बच्ची को ये बात इतने समय बाद तब पता लगी जब बच्ची घर आना चाह रही थी और उसके बाद जब घर वालों ने बोला नहीं तुम घर नहीं जा पाओगे, और उसके पति के द्वारा ये बताया गया कि तुम्हारे इस व्यक्ति के द्वारा मुझे 1,80,000 में ये विक्रय कर दिया गया है, तुम्हारा तुमको बेच दिया गया है, तो बच्ची ने फिर फ़ोन किया घर वालों को बताया, तो घर वालों ने थाने पे आके सूचना दी, थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और आगे की कार्रवाई की गई। इसमें अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ऋषपाल सिंह राठौर पिता मूल सिंह राठौर उम्र 35 वर्ष निवासी चुरू के हैं, दूसरा बजरंग सिंह उसके जीजा हैं, इनको भी गिरफ्तार किया पुलिस ने। और पुलिस ने अपराध जो कायम किया, अपराध क्रमांक 96/22, इसमें 376, 376(2)N, 368, 212 IPC के तहत साथ में SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं और विवेचना में इसमें और गंभीरता बढ़ती जा रही है और विवेचना को बेहतर तरीके से करके इसमें और भी अगर कोई आरोपी पाया जाता तो उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें मुख्य आरोपी हाँ अभी राम मोहर विश्वकर्मा जो गाँव का था वो अभी नहीं मिला हुआ है, उसकी तलाश बड़ी ही तरह से की जा रही है।